नौकरी पेशे वाली पत्नी, देखो आज मेरे पास सब कुछ है, सुतली बम रॉकेट फुलझड़ी, तुम्हारे पास क्या है? बेरोजगार पति, मेरे पास वो है जो लगा दूं तो कुछ ना बचेगा, माचिस। भाइयों, लड़के भले ही पूरा शहर जला दें, लेकिन अखबार में फोटो फुलझड़ी जलाती हुई लड़कियों की ही छपेगी। हैप्पी दिवाली। मोहल्ले में हमारी बदनामी का आलम देखिए हुजूर, दिवाली आते ही बच्चे आके पूछते हैं खाली बोतल है क्या अंकल। अगर फुलझड़ी और पटाखा सुनकर आपके दिमाग में पहली इमेज दिवाली की आती है तो आपकी सोच अच्छी है। भाइयों, बीवियां भी किसी त्योहार से कम नहीं होती, हर दो या तीन दिनों में मनानी पड़ जाती हैं। भाइयों, हमारी वाली तो सुतली बम है, जब फटती है तो धमाके के गूंज बहुत दूर तक जाती है। हैप्पी दीपावली। भाइयों, कैसे मनाएं दिवाली, हमसे तो हमारा पटाखा ही नाराज है। भाइयों, आप सभी से निवेदन है, कृपया दिवाली अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाएं, दूसरों के पटाखों पे नजर ना रखें। दीपावली। अगर किसी ने घर में लव लेटर छुपा के रखे हुए हैं तो जगह बदल दें, सोचा याद दिला दूं, वरना सफाई के साथ धुलाई भी हो सकती है। हैप्पी दिवाली। भाइयों, इस धनतेरस में जग और मग दोनों लें, दिवाली जगमग हो जाएगी। दिवाली आ रही है, किसी को अपनी तिजोरी साफ करानी हो तो मुझसे संपर्क करें। भाइयों, अगर पटाखे और फुलझड़ी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में लड़कियों की छवि उभरती है तो आप बर्बाद हो चुके हैं। आज का ज्ञान, जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, और कल किसी और का होगा सोन पापड़ी का डिब्बा। हैप्पी दिवाली।